हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉर्जियस हब। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइटम्स लेके आई हूँ जो कि स्पेस सेविंग तो है ही, बल्कि वो आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाएंगे। मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। ये तीन आइटम हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये आइटम उन घर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो रेंटल हाउसेज होते हैं या जो छोटे घर होते हैं। जैसे कि मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन ये आइटम बहुत मुझे हेल्प करते हैं मैनेज करने में। सबसे पहले हैं ये ड्रॉ चेस्ट। ये मल्टी कलर में है। वैसे इसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अमेज़न पे भी मिलता है, और ये आपको लोकल मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये मैंने दो लिए थे, एक छोटा और एक बड़ा। सबसे पहले मैं आपको छोटे वाले चेस्ट के बारे में बताती हूँ। ये इसका टॉप है और इसमें ये इसकी ट्रे हैं तीन, और तीन ये बॉक्सेस हैं, तीनों अलग अलग कलर के हैं, और इसमें ये इसके स्टैंड है जिन पे ये रखे जाएंगे। इनको कैसे असेंबल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। छोटा वाला स्टैंड मेरे छोटे वाले ड्रॉर का है, चेस्ट का है, और जो बड़ा वाला है वो बड़े वाले ड्रॉ चेस्ट का है। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। और पहला जो छोटा वाला है उसमें तीन बॉक्स थे और बड़े वाले में चार बॉक्स है। दोनों ही मैंने अमेज़न से ख़रीदे थे। छोटा वाला मैंने 1000 कुछ का लिया था और बड़ा वाला जो है वो मैंने 1100 कुछ का लिया था जब सेल चल रही थी। मुझे बड़ा वाला काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। मैं इसकी हाइट आपको नाप के बता दूँगी कितनी है दोनों की। ये देखिए कितना डिफरेंस है बॉक्स में भी, हाइट में बॉक्स की। ये देखिए, आई थिंक आपको पता लग रहा होगा ये कितना बड़ा है इससे। दोनों ही जॉयफुल ब्रांड के हैं और इनको असेंबल करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये ट्रे जो होती है इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं, तीन थी जैसे ये, और यहाँ पर इसके फुट पैड लगाने हैं जो कि आपको चार मिलेंगे इस तरह से। तो चारों नीचे लगा देने हैं। ये सबसे नीचे की यानी कि बेस की ट्रे है, इसके ऊपर हम सारे ही अरेंज करेंगे। तो चारों इस तरह से आप बहुत इजीली फिट हो जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बेस तैयार है। अब इस पर हम वो जो स्टिक्स सी दे रखी है इन्होंने हमें, वो लगाएंगे। इनको आप आसानी से लगा सकते हैं इनकी शेप के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रैपिज़म से बने हुए होते हैं, और इसमें आप लगा देंगे इसको चारों को इस तरीके से। मुझे तो ये बहुत पसंद आए क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। आप इसमें बच्चों की बुक्स कॉपीज़ वगैरह भी रख सकते हो। आप इसमें अगर किचन में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें बर्तन भी रख सकते हो। मैं आपको रख के दिखाऊंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हो। और ये घर में अगर हमने साइड में भी कहीं लगा दिया है, कोने में लगा दिया है, तो भी रखा हुआ सुंदर लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अरेंज करना है हमें आगे। फिर एक ट्रे हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये सही से सेट हो जाए, और इस तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें बॉक्स डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें ये बॉक्स चला जाएगा, और इसी तरह से हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। स्टैंड लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ट्रे लगाएंगे, फिर बॉक्स लगा देंगे। तो इस तरह से हम पूरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा तैयार कर लिया है। ये बड़ा वाला चेस्ट मैंने तैयार किया है, इसमें फोर बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मैं भी इसकी हाइट आपको नाप के भी दिखाऊंगी। इसी तरीके से मैं अपना छोटा वाला चेस्ट भी तैयार कर लूँगी, और मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊँगी कि कितना डिफरेंस है इनमें। ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। मैं इनका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा परचेज़ करना है, ये तीन बॉक्स वाला या चार बॉक्स वाला। ये मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मेरा ट्रू रिव्यू है क्योंकि मैंने ये परचेज़ किया है, मैंने इनको इस्तेमाल किया है। ये देखिए आप इसमें
कॉपीज़ रख सकते हैं। ये मैंने इस्तेमाल करने के बाद ही आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छे लगे काफ़ी। और ये देखिए आप इसमें और क्या क्या रख सकते हैं, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसमें तेल, पाउडर, कंघा सब कुछ रख सकते हैं, मेकअप का सामान। इसमें आप अगर किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लेट्स, कटोरी, ग्लास सभी रख सकते हैं। देखिए इसमें छोटी प्लेट भी आ जाती है और इसमें बड़ी प्लेट्स भी आ जाती है, तो आप इसे किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये छोटा वाला, इसमें भी देखिए इजीली ग्लास आ जाते हैं, इसमें ग्लास भी रख सकते हैं हम, कटोरी भी रख सकते हैं, चम्मच भी रख सकते हैं, मतलब आप इसमें काफ़ी बर्तन रख सकते हैं, बड़े बर्तन नहीं रख सकते बस, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहें तो मसालों के पैकेट्स या दाल के पैकेट्स जो आपने नहीं खोले हों वो भी इनमें रख सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मुझे तो ये बहुत पसंद आए। इसी तरह आप इनमें थोड़े बहुत कपड़े भी रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। मेरे पास बच्चों के कपड़े नहीं है, मैं आपको ये पैंट रख के ही बता रही हूँ। ये पैंट है मेरे हस्बैंड की, मैं रखती नहीं हूँ इनमें कपड़े, लेकिन मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें रख सकते हैं कपड़े भी, छोटे मोटे कपड़े रख सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, टॉवल्स रख सकते हैं। जैसे अगर बाथरूम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी में साबुन रखा, किसी में टॉवल रखा, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें। मैं इन्हें अपने किचन में रखती हूँ, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि एक मेरे काउंटर के नीचे काफ़ी बड़ा था, मतलब आ नहीं सकता था, और एक काफ़ी छोटा था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मैंने क्या करा, इसका टॉप उतार कर और इसमें एक दूसरे को एडजस्ट कर दिया, मतलब इसका एक बॉक्स निकाल के इसमें लगा दिया। उसके लिए मुझे इसके स्टैंड भी निकालने पड़े और एक ट्रे भी निकालनी पड़ी, और मैंने इसमें लगा दिया उसको। देखिए मैंने इसको ऐसे ही उखाड़ लिया पूरा यहाँ से। इसमें यही फ़ायदा है कि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब एक ही ब्रांड के होंगे, तो नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये मैंने उसके ऊपर ही इसको फिट कर दिया और स्टैंड लगाए और ये इसका टॉप लगा दिया। तो इस तरह से मेरा काम बन गया। मेरे दोनों ही ये ड्रॉअर चेस्ट मेरे काउंटर के नीचे आ जाते हैं। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी उसमें रखने के लिए, लेकिन ये मेरे किचन में रखने से मुझे बहुत ही हेल्प मिली, क्योंकि अब मेरा सामान जो है बहुत इजीली मिल जाता है, आसानी से मैं ढूंढ पाती हूँ, और इसमें सारा आ भी जाता है, काफ़ी सामान मेरा इसमें आ जाता है। ये देखिए अब लगभग दोनों की हाइट बराबर सी ही हो गई, थोड़ा सा ही अंतर रह गया। इसमें एक बॉक्स बड़ा है, बाकी तीन छोटे हैं, और दूसरे वाले में तीनों बड़े हैं। ये चार बॉक्सेस वाला जो ड्रॉर है, इसकी हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक 31 इंच, ये यहाँ से 31 इंच आ रहा है। अब हम छोटे वाले को भी नाप लेते हैं, ये है टोटल 19 इंच, तो ये काफ़ी छोटा है उससे, लेकिन आप अपने हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला आइटम ये 4 टायर रैक है, इसमें ये 4 बास्केट सी है, इनको हमें अरेंज करना है। साथ में स्टैंड भी है, ये नीचे व्हील्स हैं ताकि आप इसको इजीली इधर से उधर रख सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें व्हील्स लगाने हैं, इस तरह से इसमें लगाकर प्रेस कर देंगे हम अच्छे से, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, तो ये हमारा रैक का बेस तैयार हो जाएगा। साथ में ये पार्ट्स जो मिले हुए हैं इसे हम साइड में लगाएंगे, इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लगा के उसे नीचे को दबाएंगे। ये तैयार हो गया है, अब इसके ऊपर एक बास्केट और लग जाएगी। इसी तरह हम पूरा अरेंज कर लेंगे इसको, ये असेंबल कर लिया है मैंने, ये देखिए
काफ़ी बड़ा है ये। इसमें आप इसको चाहें तो तीन ही लगाएं या चार लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बनी हुई है जगह दोनों साइड की, आप इसको अगर चाहें तो टांग कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अगर किचन में आप कील के ऊपर से टांग सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लगता है तो इसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप क्या क्या रख सकते हो, इसमें हम तेल, पाउडर, विनेगर, ये देखिए वाटर बॉटल रख सकते हैं, और ऑयल की बॉटल भी मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरी किचन स्मॉल है और नॉन मॉड्यूलर है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है। अब ये देखिए मैं इसको कहाँ रखती हूँ, इसको आप कहीं पे भी पतली सी जगह में रख सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने अपने फ्रिज के पास इसको रखा हुआ है, ये पतली सी जगह में भी घुस जाता है, ये देखिए, और हाइट देखिए मेरे फ्रिज से थोड़ी सी ही छोटी है इसकी हाइट, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और बिल्कुल पतला सा, इजीली आप इसको बाहर निकाल सकते हैं और इजीली आप इसको अंदर रख सकते हैं। मतलब आपको चाहिए जब सामान तो निकालिए बाहर और सामान लेके वापस अंदर रख दीजिए। ये देखिए मैंने कितना सामान यहाँ रखा हुआ, इस तरह से ये फ्रिज के साथ ही एडजस्ट हो जाता है और मेरा स्पेस काफ़ी बच जाता है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। आइए अब हम तीसरे आइटम की तरफ चलते हैं। तीसरा आइटम क्या है मैं बताती हूँ। इस तरह की मसालेदानी हम यूज़ करते थे घर में, मतलब मैं तो करती थी पीछे काफ़ी टाइम तक, तो इसमें जैसे कि सात मसाले आ सकते हैं, छोटी छोटी इसमें कटोरियाँ होती है। बस इसका एक नुकसान ये है कि अगर जरा सी हमारे हाथ से छूट गई या बच्चों के हाथ से छूट गई तो सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं, और मेरे से तो अक्सर हो जाता था ऐसा। तो उसकी जगह पे अब ये स्पाइस रेक में इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत कम स्पेस लेता है, और इसमें 16 मसाले एक साथ आ सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो। इसको इजीली हम घुमा सकते हैं, 360 डिग्री रोटेट होता है ये, आप कहीं से भी इसको घुमाएं और अपने मनचाहा मसाला निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब वो मसालेदाने भी उतनी ही जगह घेर रही थी नीचे से, बस ये हाइट में घेर रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, और इससे मसाले मेरे आपस में मिक्स भी नहीं होते अगर बाय चांस ये हाथ से गिर जाए। पहली बात तो ये हाथ से गिरता ही नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, और मैं इसको ऐसे ही निकाल लेती, मुझे उठाना नहीं पड़ता। वो मसालेदानी मुझे हाथ से उठानी पड़ती थी और फिर मैं मसाले डालती थी, तो उससे बड़ी दिक्कत होती थी। इसको फटाक से घुमाओ और मसाला निकालो और यूज़ कर लो। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जब मैं इस घर में आई, और ये छोटी किचन जो है मेरी इसमें मुझे काम करना पड़ा, थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन इन आइटम्स ने मेरी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अगर आप का किचन जो है थोड़ा छोटा है या आप रेंट पे रहते हो तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है, और वैसे भी अगर आपका किचन बड़ा भी है तो भी ये आइटम्स बहुत अच्छी हैं, आप घर में इनको इस्तेमाल कर सकते हो जैसे रैक वगैरह। और ये जो है स्पाइस रैक आप अपने किचन में रखोगे तो अच्छी लगती भी है। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ये मैंने 450 की शायद ली थी या 500 की, तो आपको ये इजीली मिल जाएगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस तरह के कौन कौन से आइटम्स यूज़ करते हैं जो स्पेस सेविंग आइटम हो। ओके, थैंक्स, बाय बाय।